मेडिटेशन की प्रोसेस में निरंतर बने रहना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर रहना। अभी तो मृत्यु की यात्रा पर उतरे हैं, जीवन तो हाथ लगा ही नहीं है। अपनी खोज, अपनी तलाश, सेल्फ डिस्कवरी में निरंतर बने रहना। मेडिटेशन, एकमात्र मेडिटेशन तुझे मास्टर बनाने को आतुर है। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, बहुत सहज सरल साधारण होकर के वैसे ही देखना जैसे बाहर की आंखों से बाहर को देखते हो, ठीक इसी तरह डायरेक्ट अपनी ओर जागना, अपनी ओर देखना, अपने को देखना, अपने से देखना, अपने में थोड़ा स्टे करना। दृष्टा साक्षी करता होकर की माइंड की डूइंग्स को देखते रहना, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की चहल पहल अपनी आंख से देखना। जो जो तूने फीड किया है अधिकतर यूजलेस है, अननेसेसरी है दूसरों के बारे में, और वो भी व्यर्थ है, कचरा है। तुम स्वयं देख लेना, तेरे समक्ष कितने व्यर्थ के, बेकार के विचार, पॉजिटिव नेगेटिव उतरते चले आते हैं। अधिकतर नेगेटिव, अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है। देखते रहना, मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की भीड़ को देखना। तुम देखना जो जो हो रहा है, सन्नाटा है तो उसी का अनुभव लेना, उसको देखते रहना। अंधेरे हैं, देखते रहना, विचारों की गति है, देखते रहना। भीतर जो भी घटित हो रहा तेरे समक्ष, और तुम निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए सीयर इन योर ट्रू नेचर। सिंपली सी, सिंपली लुक, सिंपली वॉच, लगातार देखते रहना, बहुत सहज पूर्वक देखते रहना। माइंड तुझको बाहर की ओर फेंकेगा, तुम प्रवाह न करना, माइंड के साथ कोई संघर्ष नहीं लेना। इसको अपना खेल जारी रहने देना, रखने देना। तुम कदाचित भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, तुम अपने स्वभाव में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना, यूं ही नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। जो जो हो रहा है तेरे समक्ष, माइंड के तल पर, माइंड के सरफेस पर, वो सब माइंड की डूइंग्स, ये सब माइंड का खेल। और आपका देखना बहुत साहसपूर्ण, हिम्मतवर हो। अपने को देखना, अपने माइंड से हट करके माइंड को देखना बहुत गजब का एडवेंचर है, बहुत गजब का साहस है, हिम्मत है। माइंड को फेस करना, दुनिया भर को फेस करना बहुत आसान हो सकता है, किंतु माइंड को फेस करना दीवानों का काम है। जो भीतर की ओर अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, थोड़ी प्यास रखता है अपने को जानने की,
अपने तक पहुंचने की, अपने में उतर जाने की, अपनी मास्टरशिप, अपनी मालकियत को उपलब्ध करने की प्यास है जिसको, अपने मास्टर के अंतर्गत हो जाने का दर्द है जिसके पास, अपने अंधेरे दूर करने की प्यास है जिसके पास, अपने को जानने पहचानने की लगन है जिसके पास, वही माइंड को फेस कर सकेगा। माइंड को जागे जागे देखना, इससे बड़ा कर्म दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा कार्य दुनिया में नहीं, इससे बड़ी ड्यूटी दुनिया में नहीं है इंसानी जिंदगी में। ये पहले तुम अवश्य में कर लेना, अपनी संभाल, अपनी सुधार, अपना ख्याल रखना, अपनी फिक्र करना, अपने अंधेरों को दूर करने की प्यास उठाना। सर्वप्रथम अपने अंधेरों को दूर करना, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। यहां अगर तुम ही अपने भीतर अंधेरों में डूबे हो तो दूसरों को क्या दोगे? ह्यूमन लाइफ तो मिली ही दूसरों की, दूसरों को देने के लिए है, अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने के लिए है, दूसरों के सुख के लिए है। परंतु उससे पहले तुझे अपने आप में भी तो सुख पूर्ण होना है, तूने स्वयं भी तो टेस्ट लेना है, नहीं तो दूसरों के प्रति किया हुआ अहंकार हो जाएगा, अंधेरे और भी घने हो जाएंगे, अंधकार ही अंधकार और अधिक मल्टीप्लाई होता जाएगा, ईगो अहम अहंकार अस्मिता का अंधेरा छाया रहेगा, क्या लाभ होगा? सर्वप्रथम अपना भीतर एनलाइटन कर लेना, अपने पे कृपा करुणा बरसा लेना, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा बरसाना, अपना ख्याल रखना, कहीं अंधेरों में ना जीवन चला जाए। लगातार देखते रहना, स्वयं अनुभव लेना अपने भीतर का, अपनी थर्ड आई को अवसर देना आविष्कार का। ध्यान का ध्यान रखना कहीं खंडित रहा हो, कहीं मन के हाथ बार बार नहीं लगना, पास्ट और फ्यूचर की गलियों में ज्यादा नहीं जाना। मन से हटोगे तो वर्तमान के शिखर, स्वर्णिम शिखर हाथ लगेंगे। वर्तमान विराट की अभिव्यक्ति है, वर्तमान में तेरा जीवन छलकता है जिसको मौत छू नहीं सकती। वर्तमान, एकमात्र वर्तमान पे रोना, बार बार वापिस लौटना, बार बार अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में लौटना। यू आर सीएस सदा याद रखना, ये स्मृति, ये रिमेम्बरेंस तुझको एक दिन माइंड के पार ले जाती है। माइंड से जितना हटोगे उतने टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होते जाओगी, उतना ही तुम माइंड की नेगेटिविटी से आजाद होते जाओगी। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव, इससे थोड़ा सा हट करके जो जिया वही सुखद स्वस्थ जिया। इसके साथ रहना तो आता ही है, बहुत आइडेंटिफिकेशन है, बहुत मुश्किल हो जाता है माइंड से हटना, परंतु अपने स्वभाव की स्मृति तुझको स्वतंत्र करती है, उसके साथ तो रहना आता ही है, उससे हटकर के भी रहना जान लीजिएगा, अपने स्वभाव में रहना जान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, अनुभव कर लीजिएगा। अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं है, अपना अनुभव, अपने अनुभव से जीना। जाके जाके रहना, वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना,
कोई कल्पना नहीं करना, तनिक मात्र भी माइंड की इमेजिनेशन में खोना जाना। तुम अपनी ओर से न्यूट्रल, निष्पक्ष, निरपेक्ष रहना, केवल देखना। जागोरी सोनी वालो, मन की गोदी में सोने वालो, तादात्म्य की स्थिति में तल्लीन होकर के रहने वालो, थोड़ा जागो, जागने का अवसर आया है। जागने की पुकार उठी है, हम सब जागे, अपनी नियत की सफाई कर लाएं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतर लाएं, हम अपना कल्याण कर लाएं, हम अपना सुधार कर लाएं, बहुत सुखद स्वस्थ होकर के जिएंगे हम। ये जीवन के प्रति रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, ये जीवन की रिस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है, जो मालिक ने दिया है उसको सम्मान पूर्वक जीना, अपमानित नहीं करना, उसे दुखपूर्ण नहीं जीना, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मनोरोग नहीं पिरोना, नहीं पिरोना, पानी की स्टेट, भयभीत जिंदगी, प्रेम पूर्ण जीना, तनिक मात्र भी माइंड की नेगेटिविटी के शिकार होकर के नहीं जीना। जागना माइंड के प्रति अपनी एकमात्र ट्रू नेचर में। जागोरी सोनी वालो, कोई तुम्हें जगाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुझको मस्त बनाने आया, मेडिटेशन का सूर्य हमको रोशन करने आया, प्रकाशित करने आया। जागोरी सोनी वालो, कोई तुम्हें जगाने आया, जागोरी सोनी वालो, जागोरी सोनी वालो, कोई तुम्हें जगाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुझको मस्त बनाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया, तुमको प्रकाशित करने आया। छिपे हो ओ मालिक, ओ मेरे दिलदार मुर्शिद, एक झलक दिखा कर के कहां चले गए हो, एक झूम मचाकर के भीतर मेरे हृदय में तुम कहां चले गए, कहां छिप गए हो, कहां छिपी हो आंख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगाकर,
कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्यास जगाकर। बार बार मैं लूँ अंगड़ाई, चैन गया रो नींद नाई। भोर का पंछी देख जरा, मुर्शिद ने आवाज लगाई, ओ प्यासे दीवाने मुझे पुकारने वाला है। भोर में भगवत्ता का पदार्पण होता है, भोर में सारी प्रकृति कुर्बान होती है। अरे ओ प्यासे दीवाने रिंध, प्यास जगाई है तूने, तो सुन ये संवाद। भीतर भीतर मन ही मन गुरु शिष्य के बीच चलता है, भक्त भगवान के बीच चलता है। मन ही मन संवाद उतरता है, हार्दिक भाव है। भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुझको मस्त बनाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुझको मस्त बनाने आया, तुझको प्रकाशित करने आया, हमें प्रकाशित करने आया। मस्ती में डूब कर, ओ दुनिया वालों, ओ मेरे अपने, ओ मेरे पराए, मेरे घर वाले, मेरे सब घर अपने पराए, ओ दुनिया वालों। अगर हमारे भीतर प्यास उठी है उस मालिक को, उस प्रीतम को जानने की, तो मेरे साथी सहयोगी हो जाओ ना, थोड़ा सहयोग दीजिएगा। ये इतना बड़ा एडवेंचर, इतना साहस, इतना हिम्मतवर कदम जो उठ रहा है मालिक की एकमात्र पुकार से, उसकी दया करुणा से। उसने पुकारा है तो मेरी जिंदगी में बाहर उतरी है, उसने पुकारा है तो मेरा कदम उठ रहा है। ये कदम उठने दो ना, रोको मत। तनिक मात्र भी आप इग्नोर नहीं होंगे, घर वालों, बाहर वालों, दोस्तों, मित्रों, ऐ साथी संगियों, तुम सब आबाद हो जाओगी अगर ये कदम मेरा उठ गया। तनिक मात्र भी इग्नोरिंग स्टेट अनुभव मत करो, मत फील करो कि तुम इग्नोर हो रहे हो। नो, नॉट एट ऑल, तुम सही दिशा की ओर लाए जा रहे हो, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी दिशा, जीवन दिशा। कदम उठने दो ना, धन्य है वो बच्चे जो अपने माँ बाप के उठे हुए कदमों को सींचते हैं, शाबाश देते हैं, एनकरेज करते हैं, उनके सहायक सहयोगी हो जाते हैं। धन्य धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे कदम उठाते हैं मालिक की खोज तलाश के लिए, सत्य की खोज तलाश के लिए, प्रभु की खोज तलाश के लिए, अपनी आत्मा की खोज तलाश के लिए। अगर किसी का कदम उठता है घर से, तो सारे घर परिवार का सौभाग्य जगने लगता है। माँ बाप, बहन भाई सब सहयोगी हो जाए ना। अगर जीवन की सही दिशा को
कदम उठा है तो सब सहयोगी हो जाओ ना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। केवल सहयोग देने से ही तुम आबाद हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। सहयोग दीजिएगा उनके कदमों जो प्रभु की ओर बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं। ध्यान की मस्ती में डूब कर ऐ दुनिया वालों, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगाकर अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगाकर गैरों से क्या मिलेगा। एक प्रभु से प्यार कर ले तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे क्या नहीं मिलेगा। ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो। गुरु शेष एकत्व की स्थिति में, प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे में, आत्मिक नाते में, आत्मिक प्रेम में, आत्मिक छलकते हुए महासागर में डुबकी लगती है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। जहां दो एक होता है भक्त भगवान गुरु शेष जीवन की ज्योत, कोई भी महाशक्ति नहीं प्रदान कर सकती तुझको। एक गुरु शिष्य के पावन पवित्र नाते में इंसान एनलाइटेंड होता है। इसीलिए तो इशारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। अर्जुन मिट जा सेवा में किसी जागे पुरुष के द्वार पर, मिट जा मेरी तरह, मैं 14 वर्ष मिटा गुरु संदीपनी के द्वार पर, और भगवान राम के रूप में मैं 25 साल मिटा, सारा जन्म मिटा मैं भगवान राम के रूप में गुरु वशिष्ठ के द्वार पर, मैं भगवान हुआ, भगवत्ता की मूर्ति बनकर के आया। 14 वर्ष लगातार गुरु संदीपनी के चरणों में मैं 16 कला संपूर्ण होकर के भी भगवत्ता का रूप धारण करने के लिए, भगवत्ता उपलब्ध करने के लिए, डिविनिटी का महान स्वरूप होकर के जगमगाने के लिए 14 वर्ष मैं गुरु संदीपनी के चरणों में मिटा हूं। अर्जुन ये केवल एक बात, जागा पुरुष सदगुरु, जागा पुरुष तत्वज्ञ पुरुष, अनलाइटेंड वन, अनलाइटेंड सोल, ये देन उसकी है। यही कहा भगवान कृष्ण गोपाल ने, भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को कहा, मीरा प्रभु कृपा बहुत बरस रही है किंतु गुरु कृपा का पात्र हो जा, जा किसी जागे पुरुष के द्वार पर उसकी नजरों को, छलकती नजरों को पी ले, जा उसके चरणों में मिट जा, गुरु कृपा की मूर्ति बनकर के आ, तेरे द्वार पर परमात्मा नाचेगा। मैं तो तेरे साथ हूं ही, किंतु ये जीवन टोटैलिटी में नहीं उतर सकता जब तक तेरे पास गुरु कृपा नहीं है, स्वयं गोपाल ने कहा, गिरधर गोपाल ने। मीरा गई रैदास के द्वार, महारानी मीरा गई रैदास के द्वार, और महारानी मीरा रैदास गुरु की पात्र हो गई। उसकी कृपा को पाते ही वो मीरा बाई हो गई। मेवाड़ की महारानी मीरा बाई हो गई। एक एक के हृदय में, एक एक के मन में, एक एक के भीतर समा गई, सबके हृदयों में जगमगा गई, विराट हो गई। ध्यान की मस्ती में डूब कर
हमें एक हो जाने दो। ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो। खेल लो तुम दिलों की होली, प्रेम प्यार मोहब्बत की होली, मेडिटेशन की होली। खेल लो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। आज का चांद तो हम सबको लोरी देने आया, नव वर्ष का चांद हमको तो लोरी देने आया। लोरी देकर हम सबको, लोरी देकर हमको अपना आप जताने आया। खेलो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। खेलो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। तुझको मस्त बनाने आया, तुझको मालिक बनाने आया, तुझे प्रकाशित करने आया। गोरी सोने वालों, जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुझको मस्त बनाने, तुझको मालिक बनाने आया। मेडिटेशन का सूर्य हमको रोशन करने आया। मेडिटेशन का सूर्य हमको एक बनाने आया, हमको एक बनाने आया, हमको एक बनाने आया, हमें एक बनाने आया।